इसलिए हमारे सामने आज जाट महासभा के सबसे बड़े नेता और यूथ जो जाट महासभा के युवा ब्रांच है उसके प्रदेश के अध्यक्ष दोनों हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी माँ बहनों को समर्थन देने के लिए। शुक्रिया साहब। मैं इस धरने के अंदर बिरादर में हमारे बुजुर्ग साथी माताएं बहनें पत्रकार साथियों मित्रों ये मेरे को आज आपके बीच में आने का मौका मिला मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आया। ये धरना जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है सबसे बड़ा दिल्ली में चल रहा है दिल्ली में एक ही जगह नहीं है कई जगह चल रहे हैं जयपुर में चल रहे हैं राजस्थान में बहुत जगह चल रहे हैं। परसों सीएम साहब आए जयपुर के धरने में मैं भी वहीं था। मैं जयपुर वाले में ही अक्सर एक दिन छोड़ के एक दिन जाते रहते हैं। आज देश के ऊपर एक मुसीबत आई हुई है संविधान पे मुसीबत है देश पे मुसीबत है देश बर्बाद हो रहा है देश इस 6 साल के अंदर हमारा देश 20-30 साल पीछे चला गया। आज मजदूर भूखा मर रहा है किसान परेशान है बिजनेसमैन बर्बाद हो गया ऑटोमोबाइल खत्म हो गया फैक्ट्रियां बंद हो गई हालत बहुत ख़राब है देश की हालत बहुत ख़राब है। और ये आज रिटायर्ड आईएएस नहीं है बीच में आईएएस छोड़ करके उदित राज एससी का जो एमपी था पीछे बीजेपी से था अब की बार वो छोड़ दी थी उन्होंने उनके कहा कि इनकी सोच ठीक नहीं है उस आदमी ने आज अखबार के अंदर दिया है उसने साफ साफ बताया है कि बालाकोट पुलवामा हमारे जो 40 जवान मारे इन्होंने वो 19 के चुनावों के लिए मारे थे उसने कहा है अखबार में डेली न्यूज में मैं आपको कटिंग भेज दूंगा पत्रकार जी अब मेरे से पूछ रहे थे मैं भेज दूंगा उन्होंने कहा पुलवामा में हमारे जवान मरवाए और बालाकोट ये अजीत डोमाल जो है जो इनका क्या बना रखा है इनको करता करता वो हमारा राजदूत रहा हुआ है पुराना पाकिस्तान में उसने मिलकर के कहा कि हमारे लोग मारेंगे और हम ही नाटक करेंगे तुम्हारा कोई लेन देना नहीं है ये उसने अखबार में दिया। परसों एक मियाँ जी थे वो कहाँ के मैं एग्जैक्ट पूछ नहीं पाया सीएम जिस दिन आए उसने धरने के अंदर जयपुर में आए थे उन्होंने हमारे जो जवान शहीद हुए 40 पुलवामा उन परिवारों को 110 करोड़ रुपए दिए उस मियां जी ने 110 करोड़ कितने रुपए 110 करोड़ आज तक कोई चर्चा नहीं किसी ने सुना नहीं होगा किसी ने देखा नहीं होगा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देते उसके ढोल पीटते हैं ये अच्छा वो दिखता नहीं है उसको अंधा है आंखों से और वो है करीब करीब 55 साल के होंगे 110 करोड़ रुपए पीड़ित परिवारों को दिए उनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा मेरे को सब पता है आपसे ज्यादा पता है जिस बस के अंदर ये ब्लास्ट हुआ उसमें पर्टिकुलर होम के ही लोग थे उसमें एसी और माइनॉरिटी के दो ही तरह के लोग थे पूरी बस के अंदर वो कैसे उस बस में चले गए ये बात कही उसने मेरे को कही कि एक एक बस के अंदर ये एक ही तरह के कैसे हुए बात हो 2300 आदमी थे 80 बसें थी उन्हें 2300 आदमियों को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई 100, 200, 300 आदमियों वजह से छोड़े हैं ये बहुत बड़ा खेल है खेल चल रहा है आप लोगों की हिम्मत है कि हमारी माताएं बहनें जो आज धरने पर आई है जो घर से निकलने वाली नहीं थी और वो आज जब धरने पर आ गई तो इसका असर आएगा इस सरकार को मानना पड़ेगा सीएए पर इनको बैक फिट पे आ गए और इनको बैक करना पड़ेगा जाना पड़ेगा एनआरसी नहीं लागू कर सकते एनपीआर लागू नहीं कर सकते ये एनपीआर ये कह रहे हैं कि पहले भी होता रहा पहले वह उसके अंदर कई चीज़ें जो कानून ने डाली है वो नहीं थी ये एनपीआर के अंदर जो चीज़ें आज पूछ रहे हैं वो सिर्फ एनआरसी ही है एनआरसी के लिए ही पूछ रहे हैं और इनकी सोच ये
संघ का बनाया हुआ एजेंडा है। ये संघ के एजेंडे पर चल रही है सरकार, और हमारे देश में ये चीज कोई मंजूर नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान में काफी जागरूकता आई है। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि धरना देना लीगल है, जायज है, संविधान के तहत है, हमारा संविधान अलाउ करता है धरना देना, हम धरना दे सकते हैं। धरना देने वालों को तुम देशद्रोही कहते हो, नहीं कह सकते, तुम हिंदुस्तान नहीं हो। तुम कहते हो कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो हिंदुस्तान तुम नहीं हो, हिंदुस्तान हम है, ये जनता है, हिंदुस्तान वो नहीं है, हिंदुस्तान वो नहीं है, हिंदुस्तान ये जनता है। अब लोगों के समझ में आ गया। दूसरा, यूपी के अंदर जो इन्होंने जो धरना देने वाले हैं उनके केस बनाए, उन पे ये आपकी वो लगाई, एनएससी लगाई, इस तरीके का जो मामला किया, पेनल्टी लगाई, जुर्माना लगाया, हाई कोर्ट ने जुर्माने के आगे स्टे दे दिया। जो जुर्माना लगाया उसमें स्टे दे दिया हाई कोर्ट ने कि जुर्माना नहीं लगा सकते, धरना दे सकते हैं। ये जो भाषा हम यूज कर रहे हैं या हम धरना दे रहे हैं वो लीगल है और सही है, आप इसके अंदर कोई जुर्माना या खदेड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, संविधान अलाउ करता है, हमारा संविधान अलाउ करता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब इनकी घबराहट है, जुडिशियली थोड़ी जब आई है लाइन पे और इनके खिलाफ आए हैं, तो उससे अब महसूस हो रहा है कि आने वाले समय के अंदर इनको सोचना पड़ेगा। आज ये था कुछ की वहाँ दिल्ली वाले जो वहाँ से कोई लोग अमित शाह ने कहा कि मेरे से मिले आए, तो शायद गए कि नहीं गए पता नहीं, हम तो आज बाहर गए हुए थे, कोई सुना नहीं कुछ। तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में कोई ना कोई इस बात का भी रिजल्ट आएगा। अब इनकी आँख खुली है, दिल्ली में जो इनको करारी हार मिली, इन्होंने दिल्ली के अंदर भाषा घटिया से घटिया भाषा, खराब से खराब भाषा, केजरीवाल को उग्रवादी कहा, हर तरह से गोली मारो, गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके की भाषा यूज करी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि साइन बाग जो है वो क्या बोला था, नहीं उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बोला था ना, ये प्रयोग, हाँ ये सहयोग है या प्रयोग है, नहीं ये प्रयोग नहीं है, ये इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री ने यूज करी। उन्होंने कहा कि बोलो तुम कुछ भी, देश आज हमारी मुट्ठी में, हमारे हाथ में है, जो तुम कुछ करना चाहो करो। होम मिनिस्टर ने कहा कि बटन इधर गुस्से में दबाओ तो साइन बाग में जाके करंट लगे, करंट उनके खुद के लगा। अब उनको थोड़ी सी अक्ल आई है कि गलत बोलोगे, गलत काम करोगे तो आगे नहीं चल पाओगे, पार नहीं पड़ेगी। मैं सोचता हूँ बहुत मुश्किल है धरना देना, बैठना। हमारे जयपुर के अंदर शाम के टाइम 7 बजे 10 से 15 हजार महिलाएं इकट्ठी होती है, सबकी आंख खुल जाती है। एक रैली इन्होंने की, कम से कम भी 3-4 लाख लोग थे उसमें। एक दिन एक रैली ऐसी धरने की जगह से रैली निकाली, तो पीछे तो शुरू ही नहीं हुआ, आगे घूम करके बीजेपी कार्यालय आकर होकर 22 ग्राम सर्किल पे शिवलाइन के वहां चली गई, वो लाडली निकल ही रहे थे। तो मतलब इतना जोश है लोगों में, इतनी ताकत है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ ये आने वाला समय अपन लोगों का होगा, आपका और हमारा होगा, और हम हकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आदमी हारेगा कौन, बोल जो कुड़ा चल रहा है या कुड़ा बोल रहा है, हम राह चल रहे हैं और राह ही बोल रहे हैं, हमारा हक है। हमारे को आज कोई ये पूछे, परसों सीएम साहब ने कहा, कोई मेरे से पूछे कि मेरे बाप माँ बाप कहाँ पैदा हुए, तो मैं ही नहीं बता सकता, तो बोले तुम उसमें शिविरों में जाओगे तो सबसे पहले मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं आगे जाऊँगा तुम्हारे, इस तरीके का उन्होंने कहा। उन्होंने कहा NPR मैं लागू नहीं करूँगा, राजस्थान में लागू नहीं होगी। ये वो ठीक है, राजस्थान में जो काम होने वाला है वो नहीं होगा, ये यहाँ तक तो तसल्ली है, लेकिन इन्होंने गलत कानून जो बनाया
उस मेन मुद्दा अपना जो उस कानून का तोड़ है, सीएए लागू नहीं होगी, नहीं होगी इस देश के अंदर, लागू नहीं हो सकती, सीएए की आवश्यकता नहीं है, एनआरसी की आवश्यकता नहीं है, एनपीआर जो है वो ये चाह रहे हैं वो उसकी जरूरत नहीं है। एनपीआर जो गिनती करते हैं हर 10 साल बाद हमारे गिनते हैं, वो गिनो ना, कौन मना करता है। लेकिन ये एनपीआर जो है एनसीआर के लिए लागू कर रहे हैं, ला रहे हैं उसमें डाटा इकट्ठा करके ला रहे हैं, उसके बाद एनसीआर लगाना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय अच्छा होगा, मालिक भला करेगा, खुदा भला करेगा, अपने अपने कोई गलत काम नहीं किया, अपना कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, बैठे बैठाए लोगों को ये खदेड़ना चाहते हैं, ये हरेसमेंट करना चाहते हैं, ये एक पर्टिकुलर लोगों के अंदर एक भय पैदा करके और इस तरीके का भय पैदा करके और ये वोट लेना चाहते हैं। तो ये बात कल परसों एक डॉक्टर को इन्होंने वो एनएससी में बंद किया, उस डॉक्टर का ये कहा कि वो 2006 के अंदर उसने एक जगह ये भाषण दिए थे 2006 में, और एनएससी उसमें अब लगा कर उसको बंद किया। एक एक किसकी बात थी वो, जो उसकी जमानत हुई, जमानत हुई उसको छोड़ा नहीं, और उसमें कोई 12-13 के कोई भाषण थे वो लेकर उसमें वो लगा दिया। हाँ, तो इस तरीके की ये करने वाले काम है क्या? ये आपके पैरों को घुवाड़ी खुद ही मार रहे हैं, आने वाले समय बहुत दूर नहीं और ये सब ठीक होगा, और मालिक और खुदा अपने साथ हैं, और अपने जो माताएं बहनें जो आज संघर्ष कर रही है हमारे, परसों सीएम साहब का ये था कहने का कि भाई मैं यहाँ लागू नहीं होने देंगे, धरना शायद उठा लें, वहाँ कुछ अगुवाई जो लोग थे उनका विचार भी था, माताएं बहनें जो बैठी उन्होंने कहा कि आपकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम जब तक धरना नहीं उठाएंगे तब तक ये सीएए को खत्म नहीं करेंगे, हम जब तक धरना नहीं उठाएंगे। तो इस बात पे हमारी महिलाएं अड़ी हुई है, तो आज मेरी आर को साहब है होटल वाले, आज मेरी बात हुई तो मैंने कहा आर को साहब अपने से तो अपने जो महिलाएं हैं वो अकेले बन जाता है, बोले बिल्कुल ज्यादा है, हम तो मान गए। तो हमारी महिलाओं ने जो लेडीज हठधर्मिता कर लेना तो लेडीज बहुत खतरनाक होती है, तो हवा थे पुराने बुजुर्ग कहते कि लेडीज सुई से घर को फोड़ दे, लेडीज सुई से घर को फोड़ दे। तो लेडीज हठधर्मिता पर हमारे हिंदुस्तान की आई हुई है, तो मैं सोचता हूँ आने वाला समय आप और हमारा होगा और हमारी जीत होगी। धन्यवाद, जय हिंद। मैं नारे लगाऊंगा, आप जवाब दोगे, जाट महासभा जिंदाबाद, जाट महासभा जिंदाबाद, मेघवाल समाज जिंदाबाद, मेघवाल समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आकर, जो हमारी पिछले 22 दिन से जो हमारी माँ बहनें इस शिखर के शाहबाग में बैठी थी, उनका आपने आकर जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं तमाम हमारी माँ बहनों से कहूँगा जोरदार तालियों से हमारे मेहमानों का स्वागत करें।